सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है और मैं हूं राणा यशवंत। देश का एक और हाई प्रोफाइल बाबा स्वामी नित्यानंद गंभीर आरोप के घेरे में है। आरोप ये है कि उसके आश्रम में बच्चों को बंधक रखा जाता है, जबरन रखा जाता है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है और उन बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग आते हैं आश्रम में उनसे दान मांगने के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल होता है। बुधवार को अहमदाबाद में एक पिता ने इस बात की शिकायत पुलिस से की कि उसकी बच्ची बंधक है, आश्रम के अंदर है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मेरी बच्ची को मुझसे मिलवाया जाए। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद आश्रम पर छापा मारा। छापा मारने के दौरान उसने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया जो वहां एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में हैं। इन दोनों का नाम है प्राणप्रिया और प्रियतत्वा। इन दोनों महिलाओं को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस इस बात की अब पूछताछ कर रही है कि बच्चों को आश्रम में कैसे रखा जाता रहा है, उनके साथ क्या व्यवहार बर्ताव होता रहा है और बाकी जो आश्रम हैं उनमें क्या कुछ होता है। वैसे नित्यानंद के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो फरार हो चुका है और तिंदार टोबैगो जो वेस्ट इंडीज में आता है वहाँ जा करके उसने पनाह ले रखी है। जो SP हैं अहमदाबाद के, उनका ये कहना है कि उसकी तलाश चल रही है लेकिन बहुत संभावना ये है कि वो देश के अंदर नहीं है और उसको बाहर से लाने के लिए पुलिस जो भी संभव कानूनी प्रक्रिया है या कार्रवाई है वो करेगी। गुजरात के जो गृहमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जितने भी गुनाहगार लोग हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर गलत बर्ताव हुआ है, बच्चों का अपहरण हुआ है या जो शिकायतें बच्चों को लेकर के माता पिताओं की आ रही हैं या रहेंगी, उनका निपटारा करने के लिए जो भी आदमी कानून के रास्ते में आएगा, जो भी गुनाहगार दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद हुआ कि नित्यानंद 2018 में उस समय चर्चा में आया था जब एक वीडियो आया था, अश्लील वीडियो, जिसमें नित्यानंद एक महिला के साथ दिख रहा था और कहा यह गया था कि महिला दक्षिण की एक जानी मानी अभिनेत्री है। लेकिन नित्यानंद ने कहा था कि नहीं, यह उसको बदनाम करने की साजिश है, वीडियो फेक है और उसमें दरअसल वो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नित्यानंद ही है। बाद में फॉरेंसिक जांच जब उस वीडियो की हुई थी तो सच सामने ये आया था कि वीडियो में जो दो लोग दिख रहे हैं वो वही लोग हैं, यानी कि नित्यानंद और दक्षिण की वो अभिनेत्री जो उस वीडियो में दिख रही है। इसके बाद पिछले साल वो फिर चर्चा में आया जब 2018 में उसके खिलाफ आरोप का मामला दर्ज हुआ और आरोप की FIR दर्ज होने के बाद से पुलिस ने उससे तफ्तीश करनी शुरू कर दी थी और उसकी तलाश भी शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि आरोप जो पिछले साल लगा और उसके बाद FIR दर्ज हुई बलात्कार का, उसके बाद से वो फरार हो गया। अब उसके आश्रम भी सवालों के घेरे में हैं। उसके खिलाफ, नित्यानंद के खिलाफ कम से कम 3-4 ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें उससे पूछताछ होना ज़रूरी है, उसकी गिरफ्तारी भी ज़रूरी है, लेकिन वो देश छोड़ चुका है। इस बात की आशंका है या जो लोग उसकी पूछ परख रखते हैं उनका अपना अनुमान ये है कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। तो नित्यानंद के बारे में ये जानकारी है। नित्यानंद का जो आश्रम है वो तिरुमनलाई जो तमिलनाडु में जगह है वहाँ पैदा हुआ था। उसके बाद उसने कहा कि मैं देश का बहुत बड़ा संत हूँ, आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है उसको भी उसने गलत साबित करने की कोशिश की थी, जिसको आप E=MC² कहते हैं, और बहुत ऐसी बातें उसने की जो विज्ञान को काटने की रहीं और लोगों को अपनी तरफ खींचने की। तो बहुत तरह के हथकंडे अपनाता रहा, बहुत तरह की साजिशें करता रहा लोगों को अपने जाल में फंसाने और उनको अपना अंधभक्त बनाने के लिए, तरह तरह के तिकड़म करता रहा या लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए वो कई तरह के साधन संसाधन अपने आश्रम अपने आसपास जुटाता रहा। और आज वो देश के भीतर कानून की तरफ से एक मुजरिम की तरह है और उसकी तलाश पुलिस को है।